Welcome back to my channel. My name is Ritu, and my today's video is about Miso Korean Tops haul. बहुत टाइम से लाइक मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं कि मीसो के कोरियन टॉप का को हॉल करो तो मैं काफी टाइम से लाइक विशलिस्ट कर रही थी कुछ कोरियन टॉप्स लेकिन जब मेरे को परचेज करने का टाइम आया तो वहां से कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे बेसिकली आज का जो तो मेरा वीडियो होने वाला है वो कोरियन टॉप्स पर ही होने वाला है लेकिन उसमें मैंने कुछ अदर टॉप्स भी डाल लिए ले लाइक कुछ ले लोगों को बजट में टॉप्स चाहिए रहते हैं और कोरियन टॉप्स थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं मीसो पर बिकॉज ये कोरियन टॉप्स की कॉपी है मतलब एग्जैक्ट कोरियन टॉप्स नहीं है उनकी कॉपी करके बनाया है आपको फैब्रिक एग्जैक्ट नहीं मिलेगा लाइक सिमिलर से मिल जाएंगी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी अगर आप 500 600 एक टॉप पर लगा रहे हो तो उसकी क्वालिटी भी हम लोग को वैसी ही मिलनी चाहिए तो इसकी वजह से मैं थोड़े से बजट में लेकर आई हूँ आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा सो विदाउट एनी फर्दर डि जम टू द वीडियो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो आई हमारे शेयर समथिंग विद यू गाइज रिसेंटली आई गॉट सम प्रोडक्ट फ्रॉम पर्पल गुड वाइब्स के ने से कुछ products Recently, कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं रिसेंटली मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी अपनी स्किन को नॉट जस्ट फेस प्रॉब्लम प्रॉब्लम मुझे लाइक like, हैंड्स uh, में problem होने लगी थी क्योंकि विंटर का सीजन चल रहा है तो विंटर में हमें सिर्फ अपनी फेस की स्किन का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए ऑलमोस्ट अपनी पूरी बॉडी की स्किन का ध्यान रखना चाहिए है मैंने ऑलरेडी ने अप्लाई कर रखा है कई बार इन्हें अप्लाई किया हुआ है और मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन कोकोनट कोकोनट का

नहीं किया है तो ट्वेंटी फोर आवर्स आपकी स्किन पर रहता है मॉइस्चराइज रखता है आपकी बॉडी को तो इसके लिए मैं लाइक आफ्टर बात ये वाला यूज करती हूँ इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे अच्छा इंग्रीडियंट है टू हाइड्रेट योर बॉडी तो आई रियली लव दिस बाकी ओवरऑल इसके अलावा भी मैंने कुछ वहां से परचेज करा है फुड वाइप्स का ग्लो बॉडी लोशन विटामिन सी विटामिन सी बहुत अच्छा इन्ग्रीडियंट है फॉर ग्लो लाइक स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है फेस स्किन के लिए बहुत ज्यादा है ओवरऑल आपकी बॉडी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है तो इसके लिए मैंने ये परचेज किया क्योंकि विंटर मेरी स्किन काफी ज्यादा डार्क हो गई है, like साथ साथ like है।, है।, तो है। really लाइक फेस बहुत अच्छा ग्लो देते हैं you know जैसे आपकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है ब्लैक पड़ना स्टार्ट हो जाती है तो ये इसको रिमूव करता है तो इसमें काफी अच्छे अच्छे इनग्रीडियंट है जिससे आपकी बॉडी मॉइस्चराइज रहती है तो मैं लाइक नाइट में अप्लाई करती हूँ सोने से पहले अलावा भी मैंने कुछ वहां से परचेज करा है विच इज ऑल्सो फ्रॉम गुड वाइफ्स लाइक मेरे को हैंड्स प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही थी क्या था कि यहाँ से स्किन डैमेज हो रही थी तो उसके लिए मैंने ये द मास वाला हैंड क्रीम परचेज़ करा है जो कि काफ़ी हाइड्रेटिंग है एंड इसकी स्मेल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है लाइक like, बहुत अच्छा टेक्सचर मिल जाता है इसमें आपको एंड क्वांटिटी भी इसमें आपको अच्छी खासी मिल जाती है यूज़ करने के बाद लाइक like, मैंने बहुत अच्छा फ़र्क देखा अपने हाथ पे लाइक like, जो स्किन यहाँ से डैमेज हो जाती है और बहुत ज़्यादा रैशेज़ से पड़ जाते हैं वो बहुत सॉफ्ट होने लगी एंड जो कलर डल हुआ था वो भी काफ़ी ज़्यादा अभी बेटर होने लगा है तो आई रियली लव दिस एंड इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड मैं इसको सोने से पहले अपने हैंड्स पर अप्लाई कर लेती हूँ जैसे विटामिन सी वाला अप्लाई करती हूँ उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ और अगर विटामिन सी वाला भी अप्लाई ना करूँ तो खाली मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ बाकी एंड अगर आप गुड वाइफ का कुछ भी परचेज करना चाहते हो तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो स्क्रीन पर मेरा कूपन कोड शो हो जाएगा दे विल प्रोवाइड थर्टी ऑफ ऑन गुड वाइफ अवेलेबल ऑन एम नो मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड सो हरी अप गाइज सो माई वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस लेवेंडर कोरियन टॉप प्राइज फोर नाइन नाइन और मैंने इसे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में लिया है तो मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल में इसे इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को समझ आ गया था इसका फैब्रिक कैसा होने वाला है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच है इसमें तो इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ परचेज किया अगर आप चाहो तो स्मॉल में भी जा सकते हो जो लोग भी मेरा साइज़ प्रेफर करते हैं बाकी यहाँ पर आपको इस तरीके की नेट की स्लीवस मिल जाएंगी बलून काइंड ऑफ़ स्लीव्स हैं यहाँ पर इस तरीके की थोड़ी सी फिल्स डाली हुई है एंड यहाँ तक ये यह बलून काइंड ऑफ़ स्लीव्स रहेंगी बाकी यहाँ पर कुछ कट में स्लीव्स मिल जाएंगी आपको यहाँ पर मिड में इस तरीके का लास्टिक डाला हुआ है लास्टिक बहुत लूज वाला है बहुत ज्यादा टाइट वाला नहीं है एंड बैक से आपको पूरा प्लेन मिलेगा जस्ट एंड ये जो नेट है वो भी लेवेंडर कलर का है लाइक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे में भी वाइट दिख रहा होगा एंड फ्रंट पर आपको इस तरीके की, की दो बटरफ्लाई मिल जाएंगी एक छोटी और एक बड़ी है एंड ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है तो बहुत प्यारी लग रही है यहाँ पर आपको इस तरीके का नेक मिलेगा नेक की जो फिनिशिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है बिकॉज जो जैसा इसका फैब्रिक है बिल्कुल यहां पर पर जस्ट स्टिचिंग किया हुआ है यहां पर कुछ अलग से फैब्रिक या मोड़ कर सिलाई नहीं दी है जैसा फैब्रिक है एज इट इज वैसे ही उसको जैसे हम लोग दुपट्टो में नहीं करवाते उसको क्या बोलते हैं उस तरीके की यहाँ स्टिचिंग की हुई है तो उसके धागे वगैरह बिल्कुल नहीं लिख लेंगे लेकिन यहाँ इसका फैब्रिक है जो वो बहुत ज्यादा लाइक बहुत ज्यादा मोटा नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा पतला है ब्रिक है वो कुछ बुनाई तरह से है जैसे आप देख रहे हो कि कुछ बुनाई में नहीं होते स्वेटर्स वगैरह उस तरीके का यहाँ फैब्रिक है इसलिए इसका स्ट्रेच काफी ज्यादा अच्छा है अभी बात कर लेते हैं कि ट्रांजी होगा या नहीं होगा अगर आप अंदर कुछ लाइट कलर का वेयर करोगे तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ट्रांजी हो रहा है तो अंदर आप डार्क कलर की इनर वगैरह ही वेयर करना और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा फैब्रिक भी बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड या बहुत ज्यादा मोटा नहीं है आई हैव दिस मल्टी color crop top. प्राइजेस थ्री फिफ्टी एट और मैंने इसे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में लिया है एक्स्ट्रा स्मॉल में मैंने इसे ले लिया क्योंकि इसका स्ट्रेच भी बहुत ज़्यादा अच्छा है फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ब्लैक कलर की जीन्स पैंट्स वगैरह पर ट्राउजर्स वगैरह पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी करा था प्राइस के अकॉर्डिंग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे परचेज किया तो ओवरऑल इसका जो लुक है वो कुछ इस तरीके से है जैसे इस तरीके के टॉप मैंने काफ़ी सारे शेयर ऑलरेडी कर चुके हैं आपके साथ यहाँ पर आपको इलास्टिक का काम मिलेगा दोनों साइड में फ्रंट और बैक बोथ साइड एंड ऊपर भी यहाँ पर इलास्टिक का काम हो रखा है जो नेक है वहां पर इलास्टिक डाला हुआ है थोड़ा सा बड़ा वाला एंड नीचे यहाँ पर इसी इलास्टिक को यहाँ पर इस तरीके से खत्म कर दिया है नीचे इस तरीके की फ्रिल्स है जो कि काफी क्यूट लगती है एंड वन मोर थिंग मुझे इसकी स्लीव बहुत ज्यादा प्यारी लगी लाइक बलून वाली स्लीव है काफी फूली फूली सी एंड यहाँ पर इस तरीके की फ्रिल्स है जो कि काफी ज्यादा क्यूट लगती है एंड नेक भी इसका बहुत ज्यादा प्यारा लगता है अगर आप वेयर करते हो शोल्डर ऑफ वेयर करना है तो आप शोल्डर ऑफ करके वेयर कर सकते हो बाकी आपको स्लीव्स के साथ करना है तो आपकी मर्जी आप कैसे वेयर करना चाहते

तो आपको इसका एक बार लुक दिखा देती हूँ फर्स्ट आपको यहाँ पर ऊपर के लिए ऐसी स्टेप मिल जाएंगी ट्रांसपेरेंट स्टेप है आप चाहो तो स्टेप के साथ पहन सकते हो अगर आप अनकंफर्टेबल होते हो शोल्डर ऑफ टॉप वेयर करने के लिए तो आप ऐसे वेयर कर सकते हो बाकी आप शोल्डर ऑफ नॉर्मली ऐसे वेयर कर लोगे कुछ पता नहीं चलेगा लेकिन अगर आपको स्लीव के साथ वेयर करना है तो आप लाइक स्टेप के साथ ऐसे वेयर कर सकते हो तो फर्स्ट ये इसका लुक है ओवरऑल फ्रंट और बैक से ये सेम रहेगा है बाकी आपको यहाँ पर दो फ्रिल्स मिल जाएंगी फर्स्ट एंड सेकेंड एंड यहाँ से आपको नीचे से ऐसे वेयर करना पड़ेगा लेकिन नीचे भी यहाँ पर हमने लास्टिक अप्लाई किया हुआ है एंड ऊपर भी लास्टिक अप्लाई कर रखा है तो ऐसे ही एज इट इज आएगा ऐसे फ्रिल्स रहेंगी इस तरह से आप वेयर करोगे अगर क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी बहुत अच्छी है फैब्रिक सॉफ्ट कॉटन का फैब्रिक है फैब्रिक वाइज सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा लाइक कोरियन टॉप्स में यही वाला कोरियन uh, टॉप सबसे ज़्यादा लाइक like, कम प्राइस में मुझे मिला इसके लिए मैंने इसे परचेज़ किया मैं भी कुछ लोगों को थोड़े से कम प्राइजेस में चीज़ें चाहिए रहती हैं जो कि अच्छी भी हों और लाइक like, बजट फ्रेंडली भी हो इसकी वजह से मैंने ये परचेज़ किया नेक्स्ट आई हैव दिस वाइट कोरियन टॉप प्राइस अराउंड थ्री सेवेंटी और मैंने इसे लिया है स्मॉल साइज में मे बी एक्स्ट्रा स्मॉल भी हो सकता है मेरे को याद नहीं मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी तो ये वाला टॉप भी आपने कई बार देखा होगा मीसो पर या लाइक like, अदर किसी रिव्यू में मुझे काफी टाइम से चाहिए था इसमें अभी आपको कई सारे कलर्स मिल जाएंगे लाइक जो मैंने प्रीवियस पद लिखाया था लेवेंडर वाला उसमें भी आपको तीन से चार कलर मिल जाएंगे इसमें भी आई थिंक तीन से चार कलर मिल जाएंगे एक बार इसका लुक देख लो ओवरऑल इसका लुक कुछ इस तरीके से है नेक पर यहाँ पर आपको इस तरीके के नॉट बनाने के लिए मिल जाएगा एंड यहाँ पर नीचे से कुछ वी शेप

व्हाइट कलर उसके ऊपर चाहते हो तो आप एक स्पेरिटी वेयर कर लेना तो बिल्कुल भी सीथ्रू नहीं होगा बट व्हाइट कलर का इसके लिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा अगर स्ट्रेच होगा तो सीथ्रू होने के चांसेस हैं लेकिन क्वालिटी वाइज प्राइस वाइज आई थिंक इट्स स्ट्रेली वर्थ इट बहुत ज़्यादा अच्छा टॉप है काफी प्रिंसेस वाली फीलिंग आती है इसको वेयर करने के लिए आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है तो क्वालिटी वाइज प्राइस वाइज आई थिंक इट्स स्ट्रेली रियली वर्थ इट एंड आई लव दिस दिस रेड कलर टॉप दिस इज नॉट कोरियन टॉप दिस इज़ लाइक मैंने थोड़ा बजट फ्रेंडली एक टॉप लेने का सोचा तो उसके लिए मैंने ये वाला टॉप लिया प्राइज इज थ्री और मैंने इसे लिया है स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में वेट अ मिनट मैंने इसे लिया स्मॉल साइज़ में ओके okay? तो जस्ट ये प्रिंटेड टॉप है एंड इस तरीके के टॉप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रॉप हो जाते हैं अगर आप चाहो एंड आप नॉर्मल वेयर करना चाहो तो आप इन्हें नॉर्मल वेयर कर सकते हो तो इसके लिए मैंने ये परचेज़ किया क्योंकि ये वाला टॉप मैंने इस तरीके का पहले भी आपके साथ शेयर किया था आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था मैंने उसका एक वो भी डाला था शॉर्ट्स तो भी इसमें भी लोग बहुत लोग कोट पूछ रहे थे और वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था ये थोड़ा सा बजट फ्रेंडली है बट क्वालिटी वाइज आई थिंक इट्स रियली वर्थ इट जो इसका फेब्रिक है वो वो सॉफ्ट क्रिपी का फैब्रिक है एंड फैब्रिक सी सी बहुत ज़्यादा अच्छा है तो इसका मैं एक बार लुक दिखा देती हूँ बैक से आपको ये पूरा प्लेन मिलेगा कुछ भी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रखा कुछ भी लाइक फ्रिल्स वगैरह भी नहीं दी हैं यहाँ पर इस तरीके की आपको फ्रंट में पूरे पर फ्रिल्स मिल जाएंगी बहुत अच्छी फ्रिल्स आती हैं जब आप क्रॉप करके से वेयर करते हो एंड स्लीव्स आपको बलून काइंड में मिलेंगी इस तरीके की फुल स्लीव्स मिल जाएंगी यहाँ पर नीचे इस तरीके की दो स्टेप्स मिल जाएंगी मतलब फोर स्टेप्स मिल जाएंगी बोथ दी साइड एंड इसको आप लाइक इस तरीके से खींच कर क्रॉप करके वेयर कर सकते हो जिससे इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है एंड ओवरऑल मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसमें आ, आपको शायद यही कलर मिलेगा लेकिन ये कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड आई थिंक प्राइस वाइज इज वर्थ इट टैट साइड ये था मेरा आज का हॉल वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो यार प्लीज़ एक लाइक तो बनता है एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा एंड मेरे को भी अच्छा लगता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा अगर मैंने पांच प्रोडक्ट शेयर किया उसमें आपको एक भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक का बटन दबा देना आई लव यू ऑल बाय